नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। और बात सबसे पहले तीन राज्यों की करेंगे, दिल्ली, इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश और इसी के साथ ही उत्तराखंड। इसी के अलावा देश भर में क्या कुछ रहने वाला है इस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। इसी को लेकर सबसे पहले चर्चा करेंगे। आज आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 71,000 युवाओं को ऑफर लेटर बांटेंगे। आपको बता दें कि कर्मयोगी प्रारंभ कोर्स में ट्रेनिंग का इन्हीं सभी जो युवा हैं उनको मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि दूसरी खबर है कि राहुल गांधी की सजा रोकने की अपील पर आज सुनवाई होने जा रही है। आपको बता दें कि मानहानि केस में राहुल को सूरत सेशन कोर्ट से जमानत मिली है और आज ये सुनवाई काफ़ी अहम होने जा रही है। इस पर नज़र रहेगी कि इस सुनवाई में क्या कुछ अहम निकल कर आता है। इसी के साथ ही गहलोत और पायलट के टकराव पर आज कांग्रेस आलाकमान की बैठक होने जा रही है। कहा जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे कोई बड़ा फैसला लेंगे, क्योंकि जिस तरह से सचिन पायलट की तरफ से बगावती तेवर देखने को मिल रहे हैं अपनी ही पार्टी के खिलाफ, तो लगातार अंदर खाने क्या कुछ हलचल चल रही है वो सबके सामने है। और अब देखिए आज एक अहम बैठक होने जा रही है, जो मनमुटाव दोनों के बीच चल रहा है उसको कहीं ना कहीं ठीक करने की कोशिश की जाएगी और आगे के लिए कोई बड़ा फैसला भी लिया जा सकता है। इसी के साथ ही देखिए उमेश पाल हत्या मामले में अतीक अहमद की कोर्ट में आज पेशी होगी। इससे पहले अगर हम कोर्ट परिसर की बात करें तो देखिए उसको छावनी में तब्दील कर दिया गया है, कड़ा पहरा है पुलिस प्रशासन का। इसी के साथ ही आपको बता दें कि माफिया अतीक की बहन को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। नूरी के द्वारा दाखिल बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज कर दिया गया है। कहीं ना कहीं सिर्फ अतीक के ऊपर ही नहीं बल्कि उसके परिवार के ऊपर भी कहा जा सकता है कि काले बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। दिन पर दिन मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। फिलहाल देखिए इन तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत करेंगे। और इसी के साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो आज खटीमा दौरा है उनका, काफ़ी अहम दौरा ये माना जा रहा है। उसी के साथ ही ये बताया जा रहा है कि वो वहाँ पर बैसाखी मेले में शामिल होंगे। आपको बता दें कि मेले को लेकर पहले से ही तैयारियां की जा रही थी और आज क्योंकि सीएम धामी की मौजूदगी रहेगी यहाँ पर तो उसके लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। इसी के साथ ही महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की आज अहम बैठक होने जा रही है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य विधानसभा भवन में ये बैठक करेंगी। तो देखिए ये तमाम खबरें हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। कुछ ही देर में मेरे साथ हमारे रिपोर्टर्स भी जुड़ जाएंगे तमाम जगहों से लाइव, उनसे भी बातचीत करेंगे और अपडेट लेंगे। फिलहाल देखिए ये अहम जानकारियाँ आप तक पहुँचाई जा रही हैं। तो देखिए एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनकी तरफ से आज 71,000 युवाओं को ऑफर लेटर बांटा जाएगा। आपको बता दें कि ऑफर लेटर की बात करें तो ये बताया जा रहा है कि आज ये कार्यक्रम 10:30 बजे से जिसकी शुरुआत हो जाएगी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लगभग 71,000 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं को संबोधित भी करेंगे। तो चलिए हमारे रिपोर्टर्स भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आपको बता दें कि सुभाष गौड़ है ब्यूरो चीफ है हमारे उत्तराखंड से, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और इसी के साथ ही नदीम खान है लखनऊ से हमारे संवाददाता, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले नदीम मैं आपके पास ही आना चाहूँगी। देखिए कहीं ना कहीं जिस तरह से हम देख रहे हैं अतीक अहमद के ऊपर लगातार तलवार लटकती जा रही है, दिन पर दिन मुश्किलें बढ़ती जा रही है, आज एक बार फिर से उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर, कितने बजे पेशी होगी? देखिए स्वाति आपको बता दो आज सीजीएम कोर्ट में अतीक अहमद की पेशी है, उसके जो चौथाई है अष्टम की पेशी आज होनी है। 10:30 बजे नैनी जेल से पुलिस रवाना हो जाएगी प्रयागराज के लिए, आज प्रयागराज में पेशी होगी। वहीं अगर बात कर ले तो उनके भाई के साथ भी पेशी होगी। 10:30 बजे नैनी जेल से
रवाना हो जाएंगे। और बात कर ले तो आतिक अहमद और जो अशरफ उनका भाई है उसकी आज जो पुलिस कस्टडी, पुलिस का जो डिमांड है पुलिस कस्टडी में लिया जा सकता है। जी बताइए। बिल्कुल। और नदीम, अगर बात की जाए कोर्ट परिसर की, क्योंकि कहा जा रहा है कि बेहद ही कड़ा पहरा वहां पर किया गया है प्रशासन की तरफ से, छावनी में तब्दील कर दिया गया है पूरे कोर्ट परिसर को, क्या जानकारी इसको लेकर, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था रहेगी? देखिए स्वाति, सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कड़े इंतजाम के साथ आतिक अहमद को लाया जा रहा है, उनके भाई को भी लाया जा रहा है। उमेश पाल हत्याकांड से जो मामला है उस पर आज दोनों भाइयों की पेशी होनी है, 10:30 बजे सीजीएम कोर्ट में पेशी होगी। जी स्वाति। बिल्कुल। नदीम, अगर बात की जाए, क्योंकि देखिए नैनी जेल में उनको रखा गया है और इससे पहले भी जब हमने तस्वीरें देखी थी तो नैनी जेल के बाहर भी कड़ा सुरक्षा प्रशासन का की रही थी, हालांकि लोग भी वहां पर पहुंच रहे थे उनको देखने के लिए, आतिक अहमद को। अगर अब की बात करते हैं तो परिवार वालों को लेकर क्या कुछ जानकारी, क्या कोई उनके परिवार की तरफ से जेल पहुंचा था उनसे मिलने के लिए, या फिर आज कोर्ट में कोई मौजूद रहने वाला है उनके परिवार का कोई सदस्य? देखिए स्वाति, अभी ऐसा कुछ निकल के सामने नहीं आया है कि परिवार वाला कोई रहेगा। पिछली बार जिस तरीके से माफी आती है कि प्रयागराज में कोर्ट पेशी हुई थी तो उनकी बहन जो है वो साथ साथ चल रही थी, काफिले के साथ साथ चल रही थी, लेकिन अभी ऐसा कुछ निकल के सामने नहीं आया है कि उनका परिवार वाला जो कोर्ट में उनके मिलने आएगा। हालांकि जो मिलने दिया नहीं जाता है, बड़ी कड़ी सुरक्षा रहती है आतिक अहमद के साथ जो चलती है, उनका भाई भी है, उनके भाई के साथ भी कड़ी सुरक्षा रहती है और कोर्ट के बाहर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए जाते हैं माफी आतिक अहमद के लिए। जी चलिए ठीक है, लौटूंगी आपके पास। हमारे ब्यूरो चीफ सुभाष जी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं और जानकारी लेते हैं। सुभाष जी, आज अगर उत्तराखंड की बात करते हैं तो क्या कुछ रहने वाला है? आज बताया जा रहा है कि सीएम धामी की मौजूदगी खटीमा में होगी, क्या जानकारी इसको लेकर? जी बिल्कुल, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज खटीमा दौरा है और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, ये उनकी महत्वपूर्ण विधानसभा रही है, यानी कि इससे पहले वो खटीमा से विधायक भी रहे हैं और खटीमा में तमाम जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें जरूर मुख्यमंत्री पहुंचते हैं। ऐसे में आज मुख्यमंत्री खटीमा पहुंचेंगे और वहाँ उत्तरांचल पंजाबी सभा का जो बैसाखी मेले का कार्यक्रम है उसका शुभारंभ मुख्यमंत्री आज वहां करते हुए नजर आएंगे। यानी कि अब चुनाव नजदीक है तो ऐसे में देखा जा रहा है कि लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री का सभी जिलों में कार्यक्रम लग रहा है और ऐसे में तमाम वो विधानसभाएं जो कहीं ना कहीं सरकार के हाथ में नहीं है, उनके विधायक वहां नहीं है, सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री और तमाम जो बड़े नेता उनका फोकस उन विधानसभाओं पर, और यही वजह है कि लगातार मुख्यमंत्री के दौरे ऐसे विधानसभाओं में लगाए जा रहे हैं जिन विधानसभाओं सीटों पर उनके विधायक नहीं है। तो ये कोशिश की जा रही है कि लोकसभा में उस सीट पर भी कब्जा किया जाए, यानी कि वोट बैंक की दृष्टि से 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उस चुनाव के दौरान उस विधानसभा सीट से जो वोटिंग है वो अधिक मात्रा में हो, यानी कि विधायक ना होने के बावजूद भी जो वोट बैंक है उस सीट पर बढ़ाया जाए, इस तरीके की तैयारियों के साथ बीजेपी सरकार चलती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसके साथ ही अगर बात करें तो आज जो महिला विकास मंत्री हैं यानी कि कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या, उनकी विधानसभा यानी कि राजधानी देहरादून की विधानसभा भवन में एक महत्वपूर्ण बैठक वो अपने विभाग के लेंगे और इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तमाम जो योजनाएं हैं जो उनके विभाग द्वारा चलाई जा रही है उनकी समीक्षा बैठक भी करेंगे कि आखिरकार उन महत्वपूर्ण योजनाओं पर किस तरीके से धरातल पर काम किया जा रहा है, और अधिकारियों से रिपोर्ट भी लेती हुई रेखा आर्य आपको आज विधानसभा में नजर आएंगी। जी बिल्कुल, तो बेहद ही अहम जानकारी हमारे ब्यूरो चीफ हम तक पहुंचा रहे हैं फिलहाल। ठीक है सुभाष जी, लौटूंगी आपके पास। इस बीच एक बार फिर से रुख हम हमारे संवाददाता नदीम का कर लेते हैं, वो लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। नदीम, अगर हम बात करें आतिक अहमद और उसके परिवार की, क्योंकि देखिए इससे पहले हम बात कर रहे थे कि आज कोर्ट में पेशी होगी आतिक अहमद की, लेकिन इससे पहले अगर हम कल की बात करें तो देखिए एक ये कहा जा सकता है कि आतिक अहमद की बहन को एक बड़ा झटका हाई कोर्ट से लगा है, उनके द्वारा जो उनकी बहन है नूरी, उनके द्वारा जो दाखिल की गई थी याचिका प्रत्यक्षीकरण की, उसको खारिज कोर्ट की तरफ से कर दिया गया है।
देखिए स्वाति, आपको बता, जो अतीक माफिया अतीक अहमद की जो बहन है नूरी, और उन्होंने प्रयागराज पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया था, बेटी और भाई को बंधक बनाने का आरोप लगाया था। उसकी याचिका हाईकोर्ट ने आज खारिज कर दिया है, पूरी तरीके से हाईकोर्ट ने याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने कहा है याचिका के लिए जो याचिका है उसको इसके लिए कोई विचार नहीं है, पूरी तरीके से हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। जो माफिया अतीक अहमद की जो बहन है नूरी पर आयशा इलाहाबाद हाईकोर्ट से उनको बड़ा झटका मिला है, और नूरी ने प्रयागराज में पुलिस पर आरोप भी लगाया था। तीनों व्यक्तिगत मुचलके पर जो उनके भाई है वो पूरे दिया है। जी नदीन, कहा जा सकता है कि एक जिस तरह से कल उनकी बहन को लेकर ये कहा जा रहा था बड़ा झटका, और आज हर किसी की नजर इस पर रहेंगी कि माफिया अतीक अहमद को लेकर कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला सुनाया जाता है। नदीम, जानकारी ये भी दीजिएगा कि इसको लेकर कोई जानकारी, कोई अपडेट के आज जब फैसला सुनाया जाएगा कार्रवाई के बाद, अतीक को यहीं पर रखा जाएगा नैनी जेल में या फिर वापस साबरमती जेल ट्रांसफर किया जाएगा उनको? देखिए अतीक अहमद जो माफिया अतीक अहमद है उनको आज जिस तरीके से आज की पेशी है, पेशी के पास उनको साबरमती जेली में रखा जाएगा। हालांकि प्रयागराज पुलिस उनको लेने के लिए गई है, 10:30 बजे आ जाएगी और 11 बजे अतीक अहमद की पेशी है। अगर वहीं अगर बात करें जो उनकी बहन को कल बड़ा झटका लगा था, तो आज अतीक अहमद और उनके भाई दोनों की पेशी है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद जो अतीक अहमद की बहन थी उसकी गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन अब आज पेशी है। उमेश पाल हत्याकांड से जो जुड़ी खबर है उस पर अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की दोनों की आज पेशी है, लेकिन अभी ऐसा कुछ निकल के सामने नहीं आ पाया है कि अतीक अहमद को यूपी रखा जाएगा या फिर से साबरमती जेल ले जाया जाएगा। जी चलिए ठीक है नदीम, लौटूंगी आपके पास। इस बीच हमारे संवाददाता सुदीप भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुदीप, सबसे पहले तो ये बताइएगा क्या कुछ हलचल आज रहने वाली है, अगर हम देश की बात करें तो जानकारी इसको लेकर? जी स्वाति, आपको बता दें कि आज 13 अप्रैल को यानी बृहस्पतिवार को पीएम मोदी 71,000 युवाओं को पत्र बांटेंगे, जो लेटर होगा वो नियुक्ति पत्र बांटेंगे, और वो 71,000 युवाओं को रोजगार मेले के तहत ये पत्र बांटा जाएगा। उसी के आधार पर ये वर्चुअल माध्यम से जो बांटेंगे पीएम मोदी, उसी दौरान पीएम मोदी उन 71,000 जो लोग हैं उनको वर्चुअली माध्यम से संबोधित भी करेंगे। अभी आप देख लें कि अपने एक बयान में पीएम मोदी ने कहा था कि अगले साल पिछले जून में कि जो टारगेट है केंद्र सरकार का वो 1 से 1.5 साल के अंदर लगभग 10.5 लाख युवाओं को रोजगार देने का है। तो इसके तहत जो केंद्र सरकार से भर्तियां निकली गई जिसमें लोगों को उसमें भर्ती किया गया, आज उन्हीं 71,000 युवाओं को पीएम मोदी की तरफ से पत्र बांटे जाएंगे। बिल्कुल, और सुदीप अगर बात की जाए उन युवाओं की जिनको ये लेटर ऑफर लेटर बांटे जाएंगे, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? जी युवाओं में देखिए जिस तरीके से विपक्ष लगातार मुद्दा उठा रहा था बेरोजगारी का, युवाओं को मौका नहीं मिल रहा, तो ये एक अच्छी पहल आप कह सकती हैं केंद्र सरकार की है, पीएम मोदी के है। और आपको बता दें जो भारत सरकार के तहत 71,000 युवा को नौकरी के लिए रखा गया है, उनको ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर, सीनियर कमिश्नर, कम टिकट क्लर्क, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, स्टोनोग्राफर, जूनियर अकाउंटेंट, इस तरीके से लगभग जो युवा हैं मतलब कई और अन्य पद हैं इसमें जो इसमें इनको आवंटित पत्र आज पीएम मोदी के माध्यम से दिया जाएगा। और पीएमओ के बयान में जारी ये भी किया गया था कि ये सरकार का बहुत ही अच्छा कदम है जो रोजगार मेले के तहत इसको दिया जा रहा है। कार्यक्रम कहा जा सकता है क्योंकि देखिए 71,000 युवाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऑफर लेटर दिया जाएगा, और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी होगा। इस दौरान क्या कुछ कहा जाता है पीएम की तरफ से, ये देखना महत्वपूर्ण हो जाता है। सुदीप, दूसरी तरफ अगर हम बात करें राहुल गांधी की, तो आज राहुल गांधी की सजा रोकने वाली अपील पर सुनवाई आज होने जा रही है, क्या जानकारी इसको लेकर? जी देखिए जिस तरीके से भी पिछले कुछ दिनों में राहुल गांधी पर जो मोदी समुदाय वाले बयान पर इनके 2 साल की इनको सजा हुई थी, लेकिन उसके 30 दिन के अंदर इनको जमानत मिल गई थी, आज उसी पूरे मामले पर इनकी आज कोर्ट पे पेशी है, जिसके चलते पुणेत मोदी ने जो केस किया था जिसके तहत ये कार्रवाई हुई थी, कल पुणेत मोदी की जब कोर्ट पे पेशी हुई तो पुणेत मोदी ने साफ तौर से कहा कि राहुल गांधी के अंदर जो अहंकार है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। इसके पहले जब उनकी पेशी हुई तो जिस तरीके से वो शक्ति प्रदर्शन किए थे उस हिसाब से वो माफ़ी भी नहीं मांगना चाहते। आपको बता दें कि जिस तरीके से राहुल गांधी पर ये केस दर्ज हुआ था, उन्होंने जब कहा था कि मोदी समुदाय के लोग ही चोर क्यों हैं, अभी आप ढूंढेंगे तो और चोर मिलेंगे इस समुदाय में।
जिसके बाद ये केस उन पर हुआ था। अब आज उसमें जो वो अपील दायर करेंगे कोर्ट में, कोर्ट का क्या निर्णय होगा, क्या राहुल गांधी को इसमें दोषी करार दिया जाता है या उनको बाइज्जत बरी किया जाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से भी आप देख लें, बिहार में भी उनके ऊपर जो केस दर्ज किया गया था उसमें भी 12 मई को सुनवाई थी, उसमें भी कुछ निकल सामने नहीं आया, लेकिन आज इसमें राहुल गांधी अपनी याचिका जो खैर करेंगे ये भी एक देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये बड़ी चुनौती सिर्फ हम कहा जा सकता है कि सुदीप राहुल गांधी ही नहीं बल्कि पूरी कांग्रेस के लिए, क्योंकि देखिए रणनीति तो लगातार तैयार की जा रही है कि किस तरह से इस समस्या से राहुल गांधी को बाहर निकाला जा सके, लेकिन देखिए धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो इस दलदल में फंसते ही जा रहे हैं। जी स्वाति, साफ तौर से आप देख सकते हैं कि ये मामला केवल राहुल गांधी तक नहीं सीमित है या राहुल गांधी के मैटर नहीं है। 2024 में लोकसभा चुनाव सामने है, अभी आप देख लें कि दो दिन पहले ही जिस तरीके से वायनाड गए, वायनाड जाने का उनका साफ एक संदेश था वहां के लोगों से, वहां की जनता से, वहां की आवाम से, जिन्होंने इनको जिताया था वहां से जहां से ये सांसद बने थे, कि साफ तौर से राहुल गांधी उनको एक संदेश देने के लिए गए थे कि मैं अभी हूँ यहाँ पे और अगर मैं बाइज्जत बरी होता हूँ तो मैं वहां से चुनाव भी लड़ूंगा। लेकिन जो कर्नाटक में भी आप देख लीजिए चुनाव जिस तरीके से एक अटकलें ये भी आ रही थी, सूत्र ये भी बता रहे थे अगर राहुल गांधी की सदस्यता जाती है तो वायनाड में फिर से उपचुनाव होंगे। अभी आप देख लें जिस तरीके से राजस्थान में मुद्दा उठा सचिन पायलट और वहां के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच में जो टकराव देखने को मिला, तो ये तमाम चीजें कांग्रेस में है जो कि ये कांग्रेस पार्टी इससे निजात पाने की कोशिश तो कर रही है लेकिन कहीं ना कहीं वो उसी में उलझते जा रहे हैं। अब आज पूरे मैटर पे खड़गे के पक्ष में या खड़गे के निगरानी में वो फैसला लिया जाएगा कि इसमें गलती किसकी, अशोक गहलोत की या सचिन पायलट की। जो उसमें सूत्रों के साथ जानकारी ये भी मिली है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट को भी उस मीटिंग में रखा जाएगा जिसकी अध्यक्षता करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय इनके अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, और उसमें सचिन पायलट को भी रखा जाएगा, उनको भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। लेकिन पूरे प्रकरण में आप उठाकर देखेंगे अगर सचिन पायलट इस पूरे मैटर में वो आते हैं या इस पूरे मैटर से हटते हैं तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए राजस्थान में भी एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं सीधे कि ये डिफीट खाएगी कांग्रेस राजस्थान में भी और 2024 लोकसभा चुनाव में भी, क्योंकि आप देख लें जिस समुदाय से गुर्जर समुदाय से सचिन पायलट आते हैं उसमें लगभग 35.5 लाख उनके समुदाय के लोग राजस्थान में हैं और 55 सीटों पर उस समुदाय के असर पड़ता जिसमें 200 सीटें विधायक की हैं। जी बिल्कुल, और देखना यही होगा कि आज क्या कुछ इस बैठक में सामने निकल कर आता है, क्योंकि देखिए कोशिश तो की जा रही है तमाम चीज़ों को ठीक करने की, मनमुटाव को दूर करने की, यही वजह है कि बैठकें की जा रही हैं और आज इस बैठक के जरिए बड़ा फैसला मल्लिकार्जुन खड़गे ले सकते हैं। देखना यही होगा कि क्या कुछ उनकी तरफ से बड़ा कदम लिया जाता है। फिलहाल ठीक है सुदीप, लौटूंगी आपके पास एक बार फिर से, हमारे ब्यूरो चीफ सुभाष जी का रुख कर लेते हैं। सुभाष जी, अब मौसम को लेकर क्या जानकारी अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो? जी बिल्कुल, मौसम उत्तराखंड में साफ है और ये कहा जा सकता है कि मौसम धीरे धीरे बढ़ता हुआ उत्तराखंड में नजर आ रहा है, यानी कि तापमान में जिस तरीके से पिछले दिनों खूब गिरावट आई थी अब वैसे वैसे जो तापमान है वो बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में जो पर्यटक हैं वो उत्तराखंड की तरफ रुख करते हुए भी नजर आ रहे हैं। खास तौर से अगर बात की जाए तो दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा के जिलों के जो माफ कीजिएगा राज्यों के जो पर्यटक है वो बहुत अधिक संख्या में उत्तराखंड की तरफ आ रहे हैं और खासतौर से राजधानी देहरादून की सहस्त्रधारा हो या फिर मसूरी हो, धनौल्टी हो, इन क्षेत्रों में वो पर्यटक बड़ी संख्या में आ रहे हैं। लेकिन बड़ी चुनौती ये भी है राज्य सरकार के पास कि इन पर्यटकों के लिए बेहतर व्यवस्थाएं और तमाम वो चीजें कराई जाए जिससे पर्यटक और अधिक संख्या में उत्तराखंड आए। हालांकि तापमान में जिस तरीके से बढ़ोतरी हो रही है उसके साथ ही पहाड़ी जिलों में जो पर्यटक हैं उनकी संख्या बढ़ रही है, क्योंकि अनुमम सुबह और शाम को जो पहाड़ी जिले हैं उनमें काफी तापमान में गिरावट रहती है और यही वजह है कि जो बाहरी राज्य से आने वाले पर्यटक हैं वो खासतौर से पहाड़ों की तरफ रुख करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें नैनीताल है, भीमताल है, औली है, मसूरी है, धनौल्टी है, ये वो क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में पर्यटक बहुत अधिक संख्या में गर्मियों के मौसम में पहुंचते हैं। स्वाति बिल्कुल, चलिए ठीक है सुभाष जी, लौटूंगी आपके पास एक बार, हमारे संवाददाता नदीम का भी रुख कर लेते हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि वहां पर किस तरह का आज मौसम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। नदीम, अगर देखिए राजनीतिक हलचल तो उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी ही आज, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम मौसम की बात करें तो क्या जानकारी इसको लेकर? देखिए अगर मौसम की बात कर लिया जाए तो मौसम राजधानी लखनऊ में काफी तेज धूप निकली है जो
गरीब लोग हैं वो बेचारे परेशान हो चुके हैं पूरी धूप से, जिस तरीके से बारिश ने मौसम ने पूरी तरह से करवट ली थी, बारिश हो रही थी, तेज हवाएं चल रही थी, वो मौसम ठंडा हो गया था, लेकिन आज लखनऊ में 3-4 दिन से काफी तेज धूप निकली है और जो लोग हैं उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, गर्मी काफी तेज हो रही है। जी चलिए ठीक है नदीम। और इसी के साथ ही सुदीप, अगर हम बात करें कोविड की, क्योंकि देखिए इससे पहले हमने देखा था कि जिस तरह से उत्तराखंड से लगातार इतनी बड़ी संख्या में कोविड के मामले निकल कर आए, अब देखिए चिंता और भी बढ़ने लगी है। दिल्ली में भी लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं कोविड के, और अगर हम बाकी राज्यों पर नजर डालें तो वहां पर भी धीरे धीरे लगातार खतरा और भी बढ़ता जा रहा है। तो अगर हम कोविड की बात करते हैं यहाँ पे, अगर लगातार इसी तरह से मामले बढ़ते रहे, क्योंकि देखिए मॉक ड्रिल हमने 2 दिन देखी, देश भर में तमाम इंतजाम इस दौरान सुनिश्चित किए गए कि सही व्यवस्था की गई है हॉस्पिटल्स में या नहीं की गई है, अगर हम ये आंकड़े बढ़ते हैं तो आने वाले समय में क्या फिर से पाबंदियां लौट आएंगी? सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क तो देखिए कई लोग अभी भी यूज कर ही रहे हैं, पालन कर ही रहे हैं इन चीज़ों का, लेकिन इसी के साथ ही एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस, अगर हम स्कूलों की बात करें, वर्क फ्रॉम होम, इन तमाम चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। जी साथी बिल्कुल, जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, अभी आप दिल्ली में देख लीजिए, पिछले 2 दिन पहले वहाँ की जो पॉजिटिविटी दर थी वो 21% थी, अगर आज जड़ के वो आज जो ताज़ा रिपोर्ट आई उसके मुताबिक आप देखेंगे तो 24% हो गई है। तो कहीं ना कहीं कोरोना का जो कहर वो धीरे धीरे बरपा रहा है, अपना आक्रामक रूप रख रहा है वो। अब 24% मतलब आप ये समझ लीजिए, अगर 100 रिपोर्ट टेस्ट की जाती है, 100 लोगों को टेस्ट किया जाता है, उसमें 24 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की बात कर लें या राज्य सरकार की बात कर लें, देश की बात कर लें, प्रदेश की बात कर लें, जिले की बात कर लें, तो ये एक बहुत ही आप समझ लीजिए गंभीर विषय है और सोचने वाला मुद्दा है कि किस तरीके से कोरोना महामारी को फिर से देश माने से रोका जा सकता है। क्योंकि पहली जो त्रासदी आई थी उसमें पूरा विश्व, पूरा भारत, या आप कह लें कि सब कुछ उसमें जिस तरीके से आप कह लें कि जिस तरीके से उसमें सब सिमट गया था, एक दायरे में आ गया था, चाहे कॉलेज की बात कर ले, चाहे स्कूल की बात कर ले, चाहे आप यातायात की बात कर ले, सब कुछ सिमट गया था, हर इंसान मजबूर हो गया था अपने घर में रहने के लिए, क्वारंटाइन होने के लिए। तो अगर अब बात करें जिस तरीके से कोरोना इस समय तेजी से बढ़ रहा था हर प्रदेश, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, कहा जाता है कि उत्तराखंड एक ठंडा प्रदेश है, वहाँ पर ठंडी हमेशा रहती है, पर्यटक जाते हैं, तो उत्तराखंड में भी इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए सरकार को भी, केंद्र सरकार को भी, और जो वहाँ के स्वास्थ्य विभाग के महकमे के जो अधिकारी उनको भी। अब ऐसे में अगर लॉकडाउन लगने की स्थिति अभी नहीं है, लेकिन स्कूल में जो आप बताइए अभी कि ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली अगर अपनाई जाती हो तो उसमें बच्चे वाकई में वो सुरक्षित महसूस कर सकेंगे अपने आप को, अभिभावक भी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकेंगे। क्योंकि देखिए जो अभी कुछ दिन पहले जिस तरीके सौरभ भारद्वाज दिल्ली में उन्होंने बैठक की थी, उन्होंने बताया था कि इस महामारी से या कोविड से बचने के लिए या जिसको ये पकड़ रहा, जिस तरह से हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे हैं, कोविड आने वाले समय में और भी ज्यादा डरा सकता है अगर आंकड़े बढ़ते हैं तो, और जिस तरह से जानकारी दे रहे थे सुभाष जी, देखिए अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं, यहाँ पर मौसम लगातार चेंज होता रहता है, अगर सुबह गर्मी है, धूप निकली हुई है, तो दिन तक कहा जा सकता है कि एकदम से बादल आ जाते हैं, बारिश शुरू हो जाती है। अब अगर ऐसे में हम कोविड की बात करते हैं, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है डॉक्टर्स की तरफ से कि अगर मौसम में बदलाव होता है तो ऐसे में जो कोविड के केसेस हैं वो उनकी ज़्यादा बढ़ने की आशंका हो जाती है, तो क्या अगर वहाँ पर स्थिति ऐसी बनती है, मौसम में तब्दीली हम देखते हैं, तो जाहिर सी बात है कोविड के मामले भी बढ़ेंगे, और ऐसे में तमाम स्थिति को संभालने के लिए क्या सरकार तैयार है? जी बिल्कुल स्वाति, मैं पहले से ही बता रहा हूं कि राज्य सरकार कोविड को लेकर पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन बड़ी चुनौती है राज्य सरकार और स्वास्थ्य महकमे के पास ये है कि उनके पास बेहतर अस्पताल राज्य के हर जिले में नहीं है। यही वजह है कि पहाड़ में यदि कोई व्यक्ति कोविड से ग्रसित होता है तो उसको बेहतर इलाज के लिए या तो गढ़वाल मंडल के देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार या फिर उधम सिंह नगर आना पड़ता है। यानी कि यदि वो कुमाऊं मंडल में किसी पहाड़ी जिले में, यानी कि पिथौरागढ़ हो, अल्मोड़ा हो, धारचूला हो, या फिर यूं कहा जाए बागेश्वर में बीमार होता है और उसको बेहतर इलाज चाहिए तो उसे हल्द्वानी आना पड़ेगा, उधम सिंह नगर आना पड़ेगा, और यदि यहाँ भी नहीं जाता तो हायर सेंटर दिल्ली जाना पड़ेगा। वैसे ही अगर गढ़वाल मंडल में यदि कोई व्यक्ति
कोरोना से ग्रसित होता है और उसे बेहतर इलाज की आवश्यकता है तो उसे या तो राजधानी देहरादून आना पड़ेगा या फिर उसे ऋषिकेश आना पड़ेगा। इसके अलावा राज्य सरकार के पास ऐसा कोई अस्पताल नहीं है जिसमें बेहतर इलाज उन लोगों को मिल पाए और यही वजह है कि जो मौतों का आंकड़ा है वो बहुत तेजी से पहाड़ों में बढ़ता है क्योंकि सही समय पर सही इलाज उन लोगों को पहाड़ों के जो अस्पताल है उनमें नहीं मिल पाता है। लेकिन राज्य सरकार चाहती है कि तमाम जो सीएससी सेंटर है चाहे वो जिला अस्पताल है उनको बेहतर कराया जाए और तमाम जिलों के जो सीएमओ हो उनको निर्देशित किया है कि किसी प्रकार की कोई भी आवश्यकता हो तो स्वास्थ्य महकमे से बात करे और उसको जल्द से जल्द स्वास्थ्य महकमा पूरा करेगा क्योंकि चारधाम यात्रा भी नजदीक है और ऐसे में यदि जिलों के अस्पताल बेहतर नहीं होंगे तो चारधाम यात्रा में जो यात्री आते हैं यदि उनको कोई समस्या आती है तो उसके समाधान के लिए भी या तो उन्हें देहरादून आना पड़ेगा, हरिद्वार आना पड़ेगा या फिर ऋषिकेश के अस्पतालों में आना पड़ेगा। तो राज्य सरकार नहीं चाहती है कि किसी भी पहाड़ी राज्य से व्यक्ति को मैदानी क्षेत्र में आना पड़े और उसके लिए जिला अस्पताल और सीएमओ को विशेष तौर पर निर्देशित किया गया है कि वो अपने अस्पतालों को साफ सुथरा रखे, सुरक्षित रखे और कोविड के लिए एक स्पेशल वार्ड बनाकर रखे। राज्य में कोविड को लेकर देखिए तैयारियां की जा रही है, तमाम जो राज्य सरकारें अपने अपने यहाँ पर तमाम चीजें सुनिश्चित कर रही हैं और हिदायतें भी लोगों को दी जा रही हैं कि आप मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकले। तमाम रिपोर्टर्स जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, नदीम आपका भी और सुदीप आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही हमारे ब्यूरो चीफ सुभाष जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, सुभाष जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। और इसी के साथ ही हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, आप बन रहे हमारे साथ। नमस्कार।